बैक एवरीवन। तो आज की वीडियो में व्यू पेजर के बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता व्यू पेजर क्या होता है, मैं जल्दी बता देता हूं व्यू पेजर क्या होता है। तो कई बार आपने देखा होगा गैलरी एप्लीकेशन आप जब खोलते हैं तो मतलब इमेज को फ्लिप करते हैं, लेफ्ट राइट फ्लिप करते हैं, फिर आप कैसे को स्लाइड करते हैं तो आपका अगली अगली इमेज आती रहती है। वो कैसे आती है? वो बेसिकली आते हैं व्यू पेजर की हेल्प से। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हर इमेज को खोलने के लिए नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे या फिर कैसे नया फ्रेगमेंट क्रिएट करेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वहाँ पे व्यू पेजर इंप्लीमेंट करेंगे। तो व्यू पेजर बेसिकली आपको फंक्शनलिटी देता है कि आप अपना डाटा पास कर रहे हैं और वो डाटा जैसे स्लाइड कर आप लेफ्ट या राइट फ्लिप लेफ्ट राइट कर रहे हैं या फिर ऊपर अप डाउन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट डाटा आपके पास आता रहेगा, स्क्रॉल होकर बेसिकली आता रहता है। ठीक है, तो उसी बाद इंप्लीमेंट करने व्यू पेजर को। चलिए बिना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे व्यू पेजर में इंप्लीमेंट करना है और कैसे हमारे प्रोजेक्ट में हमारे हेल्पफुल हो सकता है। तो ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। सबसे पहले क्या हम काम करेंगे, अपने ग्रेडर स्क्रीन में जाएंगे, बिल्ड डॉट ग्रेडर में जाएंगे और रिसाइक्लर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। हमें रिसाइक्लर व्यू की डिपेंडेंसी क्यों ऐड करना है आपको थोड़ा देर पता चल जाएगा। और फिलहाल इसको ऐड करते हैं, सिंक ग्राफिक क्लिक करते हैं और इतने चलते हैं अपनी एक्सएमएल फाइल में और अपना लेआउट डिजाइन करते हैं। तो लेआउट में कुछ खास करना नहीं है, सबसे पहले टेक्स्ट व्यू कांसेप्ट आ देंगे, इसके हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे एक बटन। बटन क्यों, ये बटन इसलिए न्यू एक्टिविटी में जाने के लिए जहाँ पे हमने हमने अपना व्यू पेजर इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है, तो बटन की वजह मैं रखता हूँ रैप कंटेंट, हाइट भी रैप करता हूँ रैप कंटेंट, टेक्स्ट वैसे सेट कर देता हूँ स्विच और ऑन क्लिक, इसको मैं पास कर देता हूँ स्विच। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है, एरर से दिखा रहा है कि कंस्ट्रेंट लेआउट है, हमने इसमें कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया। तो जल्दी से इसका कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देते हैं लीनियर लेआउट में। लीनियर लेआउट में काम करना आसान रहता है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ, ओरिएंटेशन से वर्टिकल कर लेते हैं। अब एक काम करेंगे, स्विच मेथड डिफाइन करते हैं। तो चलेंगे मेन एक्टिविटी फाइल में, पब्लिक वॉइड स्विच, पैरामीटर में व्यू पास करेंगे, फाइल एंटर करके व्यू क्लास में इंपोर्ट किया हमने। अब इस स्विच में हमें क्या करना है, हमें इससे दूसरी एक्टिविटी पे स्विच करना है इसके लिए। तो उसके हम क्या यूज करेंगे, इंटेंट यूज करेंगे। इंटेंट के बारे में आप अभी आपको पता होगा, नहीं पता तो इसके ऊपर मेरी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू इंटेंट हमारी करंट एक्टिविटी क्या, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। हमें स्विच का करना है न्यू एक्टिविटी जिसका नाम दूंगा मैं व्यू पेजर डॉट क्लास। अभी मैंने एक्टिविटी बनाई नहीं है, अभी बनाएंगे इसको। बेसिकली व्यू पेजर नहीं देते क्योंकि शायद रिजर्व कीवर्ड हो सकता है, इसलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं, व्यू पेजर कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें अपना इंटेंट पास कर देंगे। ठीक है, और अभी काम करते हैं, अपनी नई एक्टिविटी बनाते हैं जल्दी से, जिसका नाम होगा व्यू पेजर एक्टिविटी। तो न्यू जाएंगे हम एक्टिविटी में, सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, इसको मैं नाम दूंगा व्यू पेजर व्यू। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम मैटर नहीं करता, व्यू पेजर कुछ भी नाम दो आपके ऊपर है। फिनिश करेंगे इसको और इसी तरह न्यू एक्टिविटी बन जाएगी, व्यू पेजर की हमारी एक्टिविटी बन चुकी है। और जैसे हमारी न्यू एक्टिविटी बनी, यहाँ से हमारा एरर हट जाना चाहिए, व्यू पेजर डॉट क्लास, ये देखिए यहाँ से हमारा एरर हट चुका है। जैसे इस बटन हम क्लिक करेंगे तो हम व्यू पेजर एक्टिविटी भी चल जाएंगे। अब जो भी काम हमें करना है वो इस व्यू पेजर डॉट जावा में करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो काम करते हैं लेआउट में चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्ट लेआउट को रहने देते हैं। यहाँ पे हमें इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू पेजर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एंड्रॉइड एक्स डॉट व्यू पेजर डॉट विजर डॉट व्यू पेजर आएगा। इसके बाद मैच पेरेंट हाइट रखते हैं, मैच पेरेंट आईडी कर देता हूँ इसकी वी पेज करते हैं क्लोज। ठीक है, ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन फिलहाल इसके लिए इसकी हॉरिजॉन्टल करना। अभी वर्टिकल भी करेंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको क्या डिफरेंस है उसके अंदर। अब चलते हैं व्यू पेजर में, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रेफरेंस देते हैं उसको व्यू पेजर, बेसिकली क्लास का नहीं हमें व्यू पेजर पेजर। ठीक है, इसको रेफरेंस देते हैं इसकी आईडी से, तो पेजर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट वी पेजर। ठीक है, तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि व्यू पेजर में ना बेसिकली आप जो आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं जरूर नहीं है कि हमेशा इमेज हो, और टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और मल्टीपल आइटम्स ही हो सकती है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, आपको उसकी आइटम का लेआउट डिजाइन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, चलते हैं रिसोर्स फोल्डर में, लेआउट राइट क्लिक करेंगे, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसको मैं नाम दूंगा आइटम। ये बेसिकली वो है कि व्यू पेजर की सिंगल आइटम कैसी दिखने वाली है, एक जो आइटम होगी वो कैसे दिखेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अपनी सिंगल आइटम में सिर्फ एक टेक्स्ट रख रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं रखना। तो इसके लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे, टेक्स्ट व्यू वेट रखेंगे, मैच वेट हेड रखेंगे, रैप कंटेंट आईडी दूंगा मैं इसको टेक्स्ट व्यू, कर देंगे इसको क्लोज और इसका शेड को दोबारा चेंज कर लेंगे लीनियर लेआउट में, रखते हैं इसको यहाँ पे करते हैं लीनियर लेआउट। ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट व्यू हमारे यहाँ पे हो चुका है। अभी काम करते हैं, हमें जैसे आपने देखा हमने रिसाइकल व्यू एडाप्टर बनाते हैं, उसी तरह हमें एक व्यू पेजर एडाप्टर बनाना होगा और उसी के लिए हमने रिसाइकल व्यू का यूज किया। तो क्या करेंगे, न्यू जावा क्लास, इसको नाम दूंगा मैं व्यू या फिर कह सकते हैं आप पेजर एडाप्टर। ठीक है, इमेज को नाम दे दिया, ओके पे क्लिक करते हैं, ये हमारी नई क्लास बन चुकी है, इसको एक्सटेंड करेंगे। इसे करेंगे आपको बताना चाहिए, अगर आपने साइकिल वाली वीडियो देखी है मेरी तो आपको पता होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइकल व्यू डॉट एडाप्टर से। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमें व्यू होल्डर क्लास बना रही है, तो क्लास व्यू होल्डर इसको एक्सटेंड करेंगे, किसे करेंगे रिसाइकल व्यू डॉट व्यू होल्डर से। ठीक है, और अब ये काम करेंगे, यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, इस पर जाएंगे या हमें कुछ मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए कहेगा, कैट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, इसने हमें कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब क्या करेंगे, इस रिसाइकल व्यू एडाप्टर में इस व्यू होल्डर को पास करेंगे, व्यू होल्डर हमें दिखा नहीं रहा है, व्यू होल्डर या फिर काम करते हैं इसको करते हैं पेजर एडप्टर, पेजर एडप्टर डॉट व्यू होल्डर। ठीक है, तो इसने हमें दिखा दिया, छोड़ा देते हैं यहाँ से,
क्लिक हमारा हो चुका है। अब इसे दोबारा से जाएंगे, कहेगा इंप्लीमेंट मेथड, मेथड पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्लिक करते हैं ओके पे। तो हमारे इसमें कुछ मेथड इंप्लीमेंट कर दी है जिसके जरिए हम अपने अडेप्टर को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो काम करते हैं अपना व्यू, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसको रेफरेंस देते हैं। तो टेक्स्ट व्यू इसका नाम देते हैं टेक्स्ट व्यू टीवी। यहां पे हम करेंगे टीवी इक्वल टू फाइंड बेसिकली आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट टीवी, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब हमें क्या करना है, हम बेसिकली एरे लिस्ट पास करेंगे इस डाटा की, हम उससे डाटा सेट करने वाले हैं। तो उस एरे लिस्ट में कंस्ट्रक्टर बनाना होगा ताकि उसको पास कर पाए। तो राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे जनरेट पे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर, और आपके पास कंस्ट्रक्टर बन चुका है। यहाँ पे आप काम करेंगे एरे लिस्ट स्ट्रिंग, इसको नाम देते हैं डेटा, ठीक है। कुछ ही नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और एंटर करके एरे लिस्ट क्लास में इंपोर्ट करेंगे, और हमारे एरे लिस्ट क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। इसे पास करेंगे इस एरे लिस्ट को एरे लिस्ट स्ट्रिंग डेटा, और क्या करेंगे दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, ठीक है। तो एक हमारा हो चुका है, इसे क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं व्यू होल्डर क्लास में, यहाँ पे हमें व्यू क्रिएट करना होगा, उसके लिए क्या यूज करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर का। तो लेआउट इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करना है तो कैसे करेंगे पेरेंट डॉट कैट कंटेक्स्ट, तो हमने कंटेक्स्ट पास कर दिया इसको, इसे करते हैं क्लोज। अपना व्यू जनरेट करते हैं तो व्यू वी इक्वल टू इन्फ्लेटर से इन्फ्लेट करेंगे उसको, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। सबसे पहले पैरामीटर जो आपको पास करना है वो अपनी आइटम व्यू वाली फाइल है, जो जहाँ पर अपनी आइटम डिफाइन करिए कि हमारी आइटम कैसे होगी, तो इसको पास करते हैं रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू पेजर। दूसरे पैरामीटर के पास करना है पेरेंट, और तीसरे पैरामीटर के पास करना है फॉल्स, तो करते हैं क्लोज। और अब रिटर्न क्या करना है, हमें इस व्यू को रिटर्न करना है बेसिकली व्यू होल्डर का, उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न न्यू व्यू होल्डर, और पैरामीटर पास करने से व्यू हमने अभी जनरेट किया, तो इससे हमारे काम हो चुका है। अब चलते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, इसमें हमें क्या करना है होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, क्या सेट करना है हमें इस एनालिस्ट में डाटा वो सेट हमें करना है। तो डेटा डॉट गेट एट पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग, तो काम हमारा हो चुका है, हमारा एडिप्टर जो वाला जो काम था कंप्लीट हो चुका है। बस एक काम जो बचा है हमें ये गेट आइटम काउंट, इसमें क्या करेंगे डेटा डॉट साइज, तो एक काम हमारा हो चुका है, एडिप्टर क्लोज कर देते हैं, इसका हमें नहीं पड़ेगा दोबारा। आइटम व्यू पेज रहा है, इसमें हमारा काम लगभग हो चुका है, फिर भी जाने देते हैं इसको, यहाँ चलते हैं। अब एडिप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एडिप्टर एडिप्टर का नाम क्या था हमारे पेजर एडिप्टर, इसको रखते हैं पेजर एडिप्टर नाम देते हैं एडिप्टर इक्वल टू न्यू पेजर एडिप्टर, ठीक है। इसको हमें पास करनी होगी कि अरे लिस्ट जो तक हमने बनाई नहीं है, तो जल्दी से उसको बनाते हैं। अरे लिस्ट देते हैं स्ट्रिंग डेटा, कुछ भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी है, डेटा इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, क्लोज करते हैं। कुछ डाटा डालते हैं इसके अंदर, तो डेटा डॉट एड, क्या ऐड करना है इसको मैं कर देता हूँ आइटम वन, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, तीन चार बार पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास तीन चार आइटम हो जाए। तो इसको आइटम वन है तो इसमें कर देता हूँ आइटम फाइव, आइटम फोर, आइटम थ्री, आइटम टू। तो आइटम वन टू थ्री और फाइव हमारे पास आइटम हो चुके हैं, इस एनालिस्ट को पास करेंगे इस अडेप्टर को डेटा, ठीक है, क्लोज करेंगे। और अब हम बस क्या करना है, हमारे इस पेजर जो हमारे व्यू पेजर उस पर इस अडेप्टर को सेट कराना है, तो व्यू पेजर डॉट सेट अडेप्टर पैरामीटर पास करेंगे अडेप्टर, और इसी तरह से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है शायद, पर कुछ एरर दिखा रहा है, देखते क्या एरर है, ठीक है। तो हमें चाहिए था ये कहा जाएगा रिक्वायर्ड टाइप एंड डॉट एक्स डॉट व्यू पेजर अडेप्टर, ठीक है, पेजर अडेप्टर, और हमने पास किया इसको, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं अभी जल्दी से। अब यहाँ पे हमारे साथ एक दिक्कत है, दिक्कत क्या कि हम जो व्यू पेजर है उसके साथ साइकिल व्यू अडेप्टर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद हमारे पास व्यू पेजर के बाद एक चीज है व्यू पेजर टू, उसके बाद हम साइकिल व्यू अडेप्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल है। तो हम क्या करेंगे उस व्यू पेजर टू की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करेंगे कंट्रोल वी, ये हमने मेन डिपेंडेंसी ऐड कर दिया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिंक का क्लिक करेंगे और अपनी इस व्यू पेजर को कन्वर्ट कर देंगे व्यू पेजर टू में, ठीक है। तो काफी आसान काम है, बस हमें टू ही लगाना है आई गेस, हाँ टू ही लगाना है हमें, अल्टर करके इसको इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट क्लास, और यहाँ पे हम एक काम करेंगे इस व्यू पेजर कन्वर्ट कर देंगे व्यू पेजर टू में, इसको देखते हैं व्यू पेजर टू, तो काम हमारा हो चुका है, हमने इसको व्यू पेजर टू कर दिया, यहाँ पे भी इस व्यू पेजर टू कर दिया, और जैसे आपने इसको व्यू पेजर टू किया तो आप देख सकते हो एरर भी हमारा यहाँ से हट चुका है। तो इसके बाद हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, हमने अपना अडेप्टर बना लिया, हमने अपना आइटम बना ली, और अपना अडेप्टर हमने इसको सेट कर दिया अपने व्यू पेजर में। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है या नहीं कर रही, तो वेट करते हैं रन होने के एप्लीकेशन के। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है, और ये आपके पास दिख रहा है एक बटन जिसका ऊपर लिखा है स्विच, तो करते हैं स्विच पे क्लिक। जैसे मैं स्विच पे क्लिक किया था एक्टिविटी खुली, जहाँ दिखा रहा आइटम वन, और मैं स्लाइड करता हूँ तो दिखेंगे आइटम टू, दोबारा स्लाइड करता हूँ आइटम थ्री, दोबारा स्लाइड करता हूँ आइटम फोर, बाकी स्लाइड करता हूँ दोबारा आइटम थ्री। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छी इंप्लीमेंटेशन है, पर ये अभी हमें पैसे दिखा नहीं दे रहा, तो थोड़ा सही से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब सही है पर दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं इसकी ग्रेविटी सेंटर, टेक्स्ट साइज थोड़ा कर देते हैं इंक्रीज 30 डेंसिटी पिक्सल, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, टेक्स्ट दिखना चाहिए यार, दिखने का फाइल है क्या, और मेन एक्टिविटी में इस बटन को लेते हैं सेंटर में, इस बटन की ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। विड्थ इसकी कर देते हैं मैच पेरेंट हाइट रेपेंट, बिल्कुल सही है, लेआउट ग्रेविटी सेंटर,
ओके तो अब दोबारा से थोड़ा अपडेट करते हैं इसको, देखते हैं कुछ ऐसे दिखाई दे क्या हमें। चलते हैं बैक, तो देख सकते हैं आप हमारे स्विच का बटन क्लिक करते हैं स्विच पे, तो अब आप दिख रहे हो आपको आइटम 1 दिख रही हो, शायद पहले ना दिख रही हो। तो आइटम 1 ये है हमारी, मैं इसको सेलेक्ट किया आइटम 2, दोबारा सेलेक्ट किया आइटम 3, दोबारा किया आइटम 4, दोबारा किया आइटम 5। लेकिन इसको हम सेलेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 ही आइटम है। लेकिन आप बैक डायरेक्शन जा सकते हैं जैसे कि आइटम 4, आइटम 3, आइटम 2, आइटम 1। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि हम कैसे अपने इमेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, तो आप इस टेक्स्ट अपनी इमेज डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं वो आपके ऊपर है, काफी सारे एलिमेंट डाल सकते हैं वो आपके ऊपर है। अब एक काम, एक चीज और जो बतानी है वो ये कि कई बार क्या होता है जैसे आप गैलरी एप्लीकेशन में आपने किसी पर्टिकुलर फोटो पर क्लिक किया तो आप चाहते हैं कि वही खुले ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप बटन में क्लिक करेंगे तो हर सबसे पहले आइटम 1 खुलेगी, पर इन केस आप चाहते हैं कि मैं बटन में क्लिक करते ही आइटम 1 नहीं बल्कि आइटम 3 खुले पहले, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके उसके लिए छोटी सी कमांड लिखनी है, पेजर डॉट सेट करंट आइटम। करंट आइटम से मतलब क्या है कि जो पहली आइटम खुलेगी वो क्या होने वाली है, और करंट आइटम आपको क्या एक इंटीजर पैरामीटर पास करना जो कि उस आइटम की पोजीशन होगी उस अरे लिस्ट में हमने पास किया। तो मैं पास करता हूँ 3, और 3 पास करूंगा तो हमारा नोड 4 खुलेगा क्योंकि तो इंडेक्स उसका 4 है, तो 2 पास करूंगा तो 3 खुलेगा। ठीक है, तो हम इसको अपडेट करते हैं, बैक जाते हैं। अब देखिएगा, अब तक मैं क्लिक करता स्विच पे तो क्या होता है, नोट 1 खुला था, अब मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं सीधा आइटम 3 खुली है, इस बार आइटम 1 नहीं खुली, आइटम 3 खुली है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट आइटम जो करंट आइटम है वो 2 कर दिया, और 2 इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स है इस आइटम का, इंडेक्स भी 2 ही है। ठीक है, आप बैक जा सकते हैं वही दोबारा आइटम 2, आइटम 1, और आगे जाएंगे तो आइटम 4 और आइटम 5 होगी आपके पास। ठीक है, तो ये था, अब ये तो था हॉरिजॉन्टल आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप चाहे इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, फेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन, इसको पास कर देंगे वर्टिकल। वर्टिकल बेसिकली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एक काम यहाँ से भी कर सकते हैं आप, इसको उठाए यहाँ से, आपको याद होगा हमने यहाँ पे लेआउट में किया था इसकी व्यू पेज लेआउट का है, यहाँ पे हमने इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दी थी। तो आप एक काम करिए, यहाँ से ओरिएंटेशन इसको वर्टिकल कर दीजिए। ठीक है, और इसके दोबारा रन करते हैं, जाते हैं बैक यहाँ से, चीजें पाई हो रहे हैं। अब स्विच पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं आप आइटम 3 में से पहले खुली होगी, करंट आइटम आइटम 3 है, ऊपर स्लाइड करूंगा तो आइटम 2, फिर डाउन करूंगा आइटम 1, और दोबारा से ऊपर जाऊंगा आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5। तो ये था कि आप कैसे अपने व्यू पेजर का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इमेज के साथ ही बता देता हूँ, वैसे मैंने अभी टेक्स्ट यूज किया तो जो देखना चाहते हैं इसमें मैं इमेज बता देता हूँ, इमेज भी कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो कुछ नहीं करना, आपको इमेज भी ऐड करना है यहाँ पे, जिसकी बिट आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ रैप कंटेंट स्केल टाइप सेंटर क्रॉप। ठीक है, आईडी देता हूँ इसकी, आईडी आईवी, इसको करता हूँ क्लोज में, और अपने चलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे चलेंगे अपने अडेप्टर में, तो अडेप्टर क्वालिफाई के लिए हमें जाना होगा पेजर अडेप्टर, यहाँ पे इस इमेज व्यू का अपडेट क्रिएट करेंगे, तो इमेज व्यू आईवी और आईवी इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आईडी डॉट आईवी। ठीक है, और जल्दी से एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हमारी क्या ऐड होगी, हमारी हमारी ऐड होगी उसके अंदर हमारी इमेजेस। तो उसके लिए काम करेंगे, मेरे पास कुछ इमेजेस डाउनलोड पड़ी है पहले से, उनको मैं अपने ड्रॉएबल फोल्डर में डाल देता हूँ। कहाँ हो इमेजेस, तुम जल्दी से दिख जाओ। तो ये कुछ इमेजेस है जिनको सेट करता हूँ और उठा के इनको पटक देंगे ड्रॉएबल फोल्डर में। तो इस तरीके से शायद ये नहीं आ रही है, लेट मी ट्राई अगेन, उठाते हैं इनको रख देते हैं ड्रॉएबल फोल्डर में। हाँ, तो आ जाएगी, क्लिक करते हैं ओके पे, मूव कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सारी इमेजेस आ चुकी हैं, पर शायद कोई दिक्कत हो सकती है, लेट मी ट्राई। तो रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल डॉट, हाँ हमारे पास ये नहीं आ रही है, ऑरेंज मिप मैप फोल्डर में तो नहीं चली गई है, नहीं, तो ऐसा कहीं पर होता है, तो हमें दोबारा सेट करना पड़ेगा, ऐसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हमें मैनुअल ऐड करना पड़ेगा, तो करते हैं मैनुअल ऐड। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 इमेज ऐड कर दिया, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर और आई फाइव। अब जल्दी से एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं इमेजेस की, और उसमें इमेजेस को ऐड करते हैं। तो एरे लिस्ट इंट इमेजेस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, अब इस इंट को हटा के करते हैं इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इमेजेस डॉट एड रिसोर्स डॉट मिप मैप डॉट आई वन, इसी तरह हमें करना है आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फोर, फाइव। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, आई वन को कर देंगे आई टू, इस आई वन को कर देंगे आई थ्री, इस आई वन को कर देंगे आई फोर, और इस आई वन को कर देंगे आई फाइव। फिर 5 इमेज में अपनी अरे लिस्ट में ऐड कर दी है। अब हमें क्या करना है, अपने अडेप्टर में जाना है। तो हमने अभी तक एक अरे लिस्ट ली थी जिसमें हमारी वो आइटम बेसिकली डाटा ऐड था, हमें एक अरे लिस्ट और लेनी होगी जिसमें हमारे इमेजेस की सोर्स फाइल है, तो स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग नहीं इंटीजर, और इसका नाम देता हूँ मैं इमेजेस। यहाँ पे इस अरे लिस्ट को भी हम ले लेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए हम एक पैरामीटर और ऐड करेंगे, अरे लिस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं बेसिकली इंटीजर, तो नाम देता हूँ मैं इसको इमेजेस। ठीक है,
और क्या करेंगे वही ऊपर की तरह दिस डॉट इमेजेस इक्वल्स टू इमेजेस कर देंगे इसको क्लोज। और यहाँ में क्या करना है अपने इस होल्डर में जाना है ऑनलाइन व्यू होल्डर में और होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स और क्या पास करेंगे हम अपनी इमेजेस डॉट गेट एट पोजिशन मतलब हमारी जो इस पोजिशन में इमेज है वो हमें इस इमेज व्यू में सेट करनी है। ठीक है तो ये हमारा हो चुका है इसको करते हैं क्लोज। आइटम व्यू पे जब हमने अपना इमेज व्यू ऐड कर दिया है अब टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया है एक काम करते हैं अब इसको थोड़ा ओरिएंटेशन कैसे कर लेते हैं इसको यहाँ से हटाएंगे कंट्रोल एक्स इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे कंट्रोल वी। विड्थ मैं इसके रखता हूँ मैच पेरेंट हाइट मैं इसके रख लिया कंटेंट पैडिंग 20 डेंसिटी पिक्सल सेंटर क्रॉप आई वी नेक्स्ट साइज ये ग्रेविटी को हटाते सेंटर से हटा देते हैं इसको हम जो दुनिया में इसे सेंटर रखने की ओरिएंटेशन को कर लेते हैं वर्टिकल ओरिएंटेशन वर्टिकल अल्ट कंट्रोल एल हमारा फॉर्मेट हो जाएगा से। तो ठीक है हमारा इमेज व्यू है उसके नीचे हमारा टेक्स्ट व्यू आएगा इसको भी कर देते हैं क्लोज। हमारे इसका भी काम हो गया व्यू में हमने क्या करना है यहाँ पे एक एरर है क्योंकि हमने इसको अपनी इमेज वाली एरर पास नहीं किया है तो अभी पास कर देते हैं तो भी काम हमारा हो चुका है। ठीक है और अब क्या हम एक काम करते हैं इस जो हमने किया था पेज डॉट सेट करंट आइटम इसको हटा देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जो करंट आइटम हो वो जीरो आइटम ही हो। दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को तो इस बार हमारी टेक्स्ट के साथ एक इमेज भी होनी चाहिए आइडियली होनी चाहिए देखते हैं होती है नहीं होती। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है करते हैं स्विच पे क्लिक और इसी आप देख सकते हैं हमारी आइटम वन है और ऊपर एक इमेज ऐड है इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा इसके लिए फ्लिप करूंगा तो आइटम टू आएगी उसमें भी एक इमेज है ये आइटम थ्री आइटम फोर और इसी तरह आइटम फाइव। अब आप देख रहे हैं इमेज थोड़ी पूरी नहीं आ रही वो क्यों नहीं आ रही वो भी हमें बता दूँ आपको उसके लिए आपको क्या करना है बेसिकली वो इमेज का हमने साइज हमें चेंज करना होगा। तो कहाँ है हमारी आइटम हमारी फाइल इसकी हाइट को थोड़ी इंक्रीज करते हैं हाइट को मैं कर देता हूँ इसकी 300 dB। इसको अब दोबारा से एक बार अपडेट करते हैं चेंजेस को अप्लाई करते हैं और इस बार इमेज आपको शायद पूरी दिख जाए। हाँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज ये आपकी है सर्कुलर इमेज की आ रही है क्योंकि हमने ऐसे ही ऐड की थी मैंने उसको। तो आप देख सकते हैं आप क्या से इमेज भी आ रही है आप आइटम भी आ रही है लेआउट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा कि ये समझ रहे हैं काम कैसे करता है व्यू पेजर और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल से कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल आपका इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल स्वाइप होगा ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो वर्टिकल स्वाइप हो रहा है। करंट आइटम आप चेंज कर सकते हैं करंट आइटम आप जो चाहे वो सेट कर सकते हैं उसी हिसाब से आपकी आइटम खुलेगी। तो आई होप कि इसी साथ आपको व्यू पेजर समझ में आ गया होगा स्टिल अभी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी साथ इस वीडियो खत्म करते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मिलेंगे अपने अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।